कोरोना से जो जान से जाएगा उसे दफनाया नहीं जलाया जाएगा। श्रीलंका की हुकूमत ने वायरस से मरने वाले तमाम अफराद की लाशें जलाने का हुक्म दे दिया। जज़ीरा नुमा जनूबी एशियाई मुल्क श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की लाशों को जलाना लाजिम करार दे दिया है और इस हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि जिसमें कहा गया है कि वबाई मर्ज से मरने वाले की लाश को दफन नहीं किया जाएगा बल्कि उसे सिर्फ जलाया जाएगा। दुनिया के तमाम ममालिक में कोरोना की वजह से मरने वाले अफराद को उनके मजहबी तरीकाकार के तहत दफनाया और जलाया जा रहा है। अलबत्ता इस जिम्न में खुसूसी इकदामात किए गए हैं और हद से ज्यादा एहतियात की जा रही है ताकि अगर लाश में इब्तदाई कुछ घंटों तक वायरस मौजूद हो तो उससे कोई दूसरा मुतासिर न हो। तहम श्रीलंका की हुकूमत ने तमाम मजाहिब के पैरोकारों के लिए एक ही तरीका वाज़ेह करते हुए कोरोना से हलाक होने वाले हर शख्स की लाश को जलाना लाजिम करार दे दिया। श्रीलंका की हुकूमत के मुतनाज़ा फैसले पर वहां की सबसे अहम और बड़ी अकलियत मुसलमानों को एतराज था। उन्होंने हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज किया लेकिन हुकूमत अपना फैसला वापस लेने पर ना मानी। मुसलमानों के मुताबिक उनके प्यारों की लाशों को जलाना उनके मजहबी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस तरह श्रीलंकन हुकूमत के मुतनाज़ा फैसलों पर वहां काम करने वाले इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इसे गैर इंसानी फैसला करार दिया।